सेंटर एकदम लाल नाम का हो लालम लाल अनजाने में चला देंगे सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मेरा पहला गाना है एंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. बहुत दिल से किया है, बहुत मेहनत की है इसके लिए. सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे, पब्लिक को पसंद आए. शूट हमने दुबई में किया है इस गाने का और काफ़ी मज़ेदार रहा था वो एक्सपीरियंस मेरे लिए. फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इट वॉज वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा मुझे. हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, जिन लोगों के साथ काम किया दे वर लाइक वेरी गुड एंड वेरी सपोर्टिव. तो ऑल ओवर बहुत मज़ा आया काम करके. ये हमारे जो लिरिक राइटर हैं उनका आइडिया था, उनका सॉन्ग है, उनका आइडिया था. उनको लगा ये गाना मेरे लिए बेस्ट है तो मैंने इस गाने को चूज़ किया अपने लिए. ये गाना एक्चुअली है तो बेसिकली एक लाइक हार्ट ब्रोकन सॉन्ग है, ब्रेकअप सॉन्ग है बेसिकली. सो उस तरीके का ये गाना है. जो जिसने ये लिखा है आई थिंक उन्होंने भी कुछ सोच के और बहुत समझदारी से गाना लिखा है. आप लोग इसे सुने, इसको इन्जॉय करें तो आई नो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इसको सुन के. काफ़ी अच्छा गाना है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सो यार ये गाने का आइडिया दुबई का हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं उनका आइडिया था. वो चाहते थे कि ये गाना दुबई में शूट हो, तो दुबई में हमने अच्छी अच्छी लोकेशंस चूज़ करके वहाँ पे अच्छा शूट किया है. तो आप देख सकते हैं सारी लोकेशंस और जितना सब कुछ है सब बेस्ट है. सो यस, एक्टिंग का शौक तो खैर बचपन से ही था. सो डेस्टिनी बोलते हैं इसको, कि डेस्टिनी थी यहाँ तक पहुँचने की. तो यस, आज मैं यहाँ हूँ. हाँ, अभी और भी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ. पंजाबी म्यूज़िक एल्बम्स मैं कर रही हूँ. सून आप लोगों को
दोबारा हम लोग मिलेंगे, दोबारा देखने को कुछ मिलेगा आपको. थैंक यू, थैंक यू सो मच. અમારે ગુજરાત થી આવે છે. હા અમને ખબર છે કે અમે ગુજરાતી છીએ. कुछ बोल दो, कुछ जाए. बस बढ़िया, ऑसम एक्सपीरियंस है. गाना चलना चाहिए, पंजाबी से होंगे, हाइप पे आना चाहिए. अभी पहली बार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी का ट्रेंडिंग सॉन्ग है. हाँ मेरा ही म्यूजिक लेबल है. हाँ फ्यूचर में इससे भी अच्छे अच्छे गाने आएंगे. ऑसम. स्टार्टिंग में टफ लग रहा था, बाद में अभी इजी हो गया सब. इंडस्ट्री में आने के बाद सेकंड सॉन्ग 13 जनवरी को आने वाला है. अभी ट्रेंड में पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं, सिंगर भी पंजाबी ज़्यादा चल रहे हैं, और यंग जनरेशन का डिमांड पंजाबी सॉन्ग ही रहता है. सो ट्रेंड के हिसाब से. थैंक यू. वसीम भाई मेक ए वीडियो ना. या हाँ बिल्कुल. नोट माइन जो है बड़ी कमाल की है, और मैं इनको शुभकामनाएं देने चाहूँगा अपने अरमान मलिक साहब सिंह जिन्होंने डायरेक्ट किया है और जो प्रोड्यूसर हैं इनके. कमाल की बात यह है कि आज भी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, सिंगल ट्रैक मेरा खुद का भी, फिर भी मैं इन भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया हूँ. आप आजकल जो ट्रेंड है गानों का, पंजाबी सिंगर बी प्राक के हो गए, बहुत सारे कमाल के सिंगर हैं जो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं. एक गाना जो हम सुनने में जितना मज़ा आता है, उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें और भी कमाल की क्रिएटिव थिंग्स होती हैं. तो इन्होंने बहुत ही कमाल का और खूबसूरत गाना बनाया, तो मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द प्रोडक्शन हाउस एंड टू द चैनल कि आपका गाना ग्रोथ करे एंड ट्रेंडिंग में चले. कुणाल आना, चलो पूछो. बहुत अच्छा लगा. कुणाल एंड सायनी प्रोडक्शन जो है, कुणाल बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, और वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आता है. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो इतने अच्छे अच्छे काम लेके आता है इंडस्ट्री में, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है. और ही इज़ अ डार्लिंग एंड बहुत अच्छे काम है उसका. मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलूँगी ये एल्बम के लिए, नॉट माइन, जो 15 दिसंबर को रिलीज़ होने वाला है. सो गाइस, जितना ज़्यादा हो सके इस गाने को प्यार दो, कुणाल को प्यार दो, हमारे सायनी प्रोडक्शन को प्यार दो. बस लॉट्स ऑफ लव. यार गाने का नाम है नॉट माइन, मतलब मेरा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पर हमारे तो सब है. And we love our audience too much, but still we all are here for the Not Mine. Yeah. And Akanksha ji ne bahut hi acha perform kiya. Exactly. Yeah. And she's lovely. Yes. Yeah. So all the best for the new music album. It's going to release tomorrow, right? 15th. And I hope you all like it. And though it's not mine, but we are all yours. Yes. Thank you. Thank you.
Of course, she's looking super gorgeous. Yeah. She's in black today. But I think बहुत pinky pinky look क्या उनका not mine में but still वो थोड़ा सा sad है गाने के अंदर कि not mine but don't worry Akansha we all yours yes 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 okay thank you guys thank you hello hi this is me Mehul Bhojak First of all, I'm glad to be here and Not Mine, it's a lovely song because मैंने वीडियो देखा है and I want to say thanks to MK Jala जी to be a new producer of industry में आए हैं और ऐसे नए producer आते रहे ताकि नए talent को काम मिलता रहे और industry में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे and Akansha, she is like my sister so I wish her all the best and मुझे मालूम है ये गाना hit होने वाला है so Akansha, congratulations मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी सक्सेस मुझे बहुत खुशी दे रही है थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तो चाहूँगी कि ये और ज़्यादा सॉन्ग बनाती रहे थैंक यू आगे ट्रेंडिंग पे जाए इसका सॉन्ग पे जाए ऑलरेडी हमारा सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चल रहा है हाँ गुड चल थैंक यू तो कल रिलीज होने वाला है नॉट माइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा आई होप आप लोग भी सब बहुत पसंद करेंगे और आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए हम लोगों को और आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे हूँ आज आकांक्षा का लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज आप लोग के प्यार मोहब्बत से हम यहाँ पे हैं और मुझे सो आप लोग सब लोग भी आना ये जगह पे और आप लोग को अच्छा लगेगा यहाँ पे आके और आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट देम गाइज एट माई प्लेस आई होप इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर देम और विशिंग गुड लक टू ईच एंड एवरी वन द होल टीम ऑफ नॉट माइंड थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी योर थैंक यू Cheers, cheers everyone, cheers. यहाँ पे अबाउट दिस सॉन्ग दिस इज रियली वेरी अमेजिंग आई रियली लव दिस पोस्टर ऑल्सो और मुझे सच में बहुत मज़ा आया है इसे अभी हिलाल में सभी देखने वाले हैं अभी ये सॉन्ग जब देखेंगे तो सबको ही अच्छा लगेगा इसमें बुरा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है थैंक यू सो मच इज नेहा वर्मा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कल ये सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है नॉट माइन आई होप सब बहुत पसंद करेंगे सब इस सॉन्ग्स को बहुत प्यार दीजिए कुणाल एंड सानी प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सब लोग की विशेस चाहिए और इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोट कीजिए थैंक यू सो मच टू आकांक्षा सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आकांक्षा फॉर हर बेस्ट म्यूजिक वीडियो द बेस्ट विशेस टू हर इट्स अ फर्स्ट सॉन्ग सो वी आर जस्ट हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड ब्लेस हर थैंक यू थैंक यू Hi. I would say best wishes to the producer, to the artist, to everyone जो भी इसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि जब भी एक म्यूज़िक वीडियो या कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोग
को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती है. सो आई वुड से बेस्ट विशेस टू एवरीवन. कीप डूइंग वेब सीरीज. आज भी मेरी एक सीरीज रिलीज हुई है. आज भी एक ऐप है शो एक्स करके, उस पर आज मेरी एक सीरीज रिलीज हुई है यादें. और लाइफ इज़ गुड. और मैंने अपने कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, मेरे पास खुद का एक ऐप है. सो लाइफ इज़ गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है. थैंक यू सो मच. हाय, माय नेम इज़ पूनम चोपड़ा. इवन आई एम ऑल्सो मॉडल एंड आइटम गर्ल. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम फीलिंग गुड दैट आई एम अटेंडिंग दिस म्यूजिक वीडियो एल्बम नॉट माई ऑफ मिस्टर कुणाल सैनी. एंड लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी. Just waiting forward to see. Thank you. What's the result? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम बीच में रहो, आप साथ में रहो. अरे आओ ना, अरे आ जाओ, बाइट कर वाले ना, पहले बाइट करना कि फोटो लेने, पहले फोटो ले लो, फोटो ले. दिनेश भाई नहीं मानने वाले. आ जाओ, ये तो लोड़ो उधर, थोड़ा उधर, इधर आ जाओ, एक बार फोटो ले लेते पहले. आ जाओ, ओके, थैंक यू. अरे भाई रेडी थैंक्स फॉर द कमिंग ऑल्सो. कम से कम दो मिनट रुकना, थोड़ा सा भाई का बर्थडे है, थोड़ा सा केक काट देंगे. थोड़ा सा क्या, पूरा काट दो यार. टेबल लो, केक ले, केक क्या बात है. अजी भाई, अजी भाई, लाइक इट बाय बाय. हां विश किया भाई, थोड़ा दुबई से क्या भाई, असल भाई क्यों चाहते हो मेरा बर्थडे पूरा बिखर जाए. मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं इनको और पूरी टीम को, गाने की पूरी टीम को. गाना मिलियंस में जाए. सॉरी गाइस, थोड़ा ज़्यादा बात कर करके मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है आज. तो मैं सच में आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूं गाने के लिए. मैं चाहता हूं गाना मिलियंस में जाए और बहुत बड़ा हिट हो गाना. कल नहीं, आज मेरा बर्थडे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखो मैं इतना बड़ा आभारी हूँ इस दिन का, बिकॉज आज इतनी जगह मुझे बुलाए, इतनी जगह मुझे बुलाए थे. केक काटते काटते थक गए मैं और बात करते करते मेरी पूरी आवाज़ बैठ गई है. यहाँ भी आते आते मुझे बहुत देर हो गई. आई फील रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी. ये सब चीज़ें और मेरा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आज मैं उमरा जा रहा हूँ. मेरा दिन की नेक्स्ट जो भी मेरे साथ हुआ है ये साल मैं भूलना चाहता हूँ और नए साल की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ उमरा से. आज शाम में मैं उमरा जा रहा हूँ, उमरा करूँगा प्रॉपर तरीके से और वापस आऊँगा. दुबई में रहे, अमेरिका में रहे, साइड में लगा दो. ये थोड़ा सा साइड में कर लो, हल्का सा. दिनेश हाथ आ रहे हैं. अरे बिना कैंडल का होगा, जल रहा है ना, इतना बड़े बड़े कैंडल जल रहे हैं. सर अभी आओ, तुम्हारे में दे लो सर, एक सेकंड सर, है ना.
नेपाल ओके ओके सर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गाना गाओ राखी के नाम पे रख दो भाई, थोड़ा सा निकाल दो साइड में, सोने पे सुहागा हो गया तो राखी के नाम पर भी एक निकाल दो आदिल भाई, थोड़ा निकाल के रख दो साइड में राखी के नाम पे भाई, नहीं तो हजम ही नहीं होगा किसी को कहीं ना। आदिल भाई हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हाँ वसीम भाई को जरूर खिलाओ, वसीम भाई को ज़्यादा खिलाओ, ज़्यादा खिलाओ, जरूरी है। वसीम भाई खिलाओ, बस यहाँ पे आ जाओ। बढ़ने को है। आजा 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 रे, आजा। वसीम भाई। ओह हो। मज़ा लेके वसीम भाई ने। आजा 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 आजा। हाँ नज़मा जी आपके पीछे। राखी के लिए। ये राखी के लिए भाई। राखी के लिए। तुम खिला देना। दिनेश भाई टिशू भी लेके घूमते आजकल दिनेश भाई को। दोनों की प्यार यही है। हेलो इसमें यहां आ बात सुनो, अभी आ जाओ ना। हां चलो अभी भाई कुल लास्ट आवा दे रुपया। चलो चलो बवाल मत करना तुम लोग। हां नहीं करना, नहीं क्या बाबा राखी के पास बैठने नहीं जाना चाहिए। ये फोटो जाएगा अभी कड़क वाला। वैसे केक काटा राखी को खिलाया भी नहीं। नहीं मुझे सबको बांटो।